नमस्ते संजय सनम जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? हम उत्तर प्रदेश से मोहित बोल रहे हैं। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हमने आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी सजाड़ा धाम के विषय में, जी। और आज हम उसी की तरह एक और आपको धाम बताना चाहते हैं जी जो अजमेर में स्थित है। उसका नाम है राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम। राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, जहां पर नशा छुड़ाया जाता है। और उस धाम के बारे में हम भी 2-3 वीडियो में बोले हैं। बड़ा ये चंपालाल जी महाराज साहब का है, चंपालाल जी इनके यहाँ के पुजारी हैं, उन्हीं की बात बोल रहे हो ना? जी बिल्कुल जी 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 बोलिए। तो वहां पर मैंने स्पेसिफिक विजिट किया था करीब एक हफ्ते पहले, ऐसे ही पेपर देने गया था, तो हमने कहा कि लाओ वहां पर भी मिल लेते हैं। तो आपने हर धाम पर गए होंगे तो वहाँ पे लास्ट में क्या होता है, पैसे की बात हो ही जाती है। अगर कोई वहाँ पे कोई भगत होता है तो हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे दान पेटिका के माध्यम से, लास्ट में मतलब आदमी के पास बहुत से आदमी हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं है, और जब पूरी जब बात हो जाती है या जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो लास्ट में पैसे आ जाते हैं। जी 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 और काफी लोग ऐसे हैं जो जाना तो चाहते हैं मगर पैसे ना होने की वजह से डरे रहते हैं, और इनको ये भी डर अंदर ही अंदर रहता है कि लास्ट में इतने जो पैसे लगते हैं वो देंगे कहाँ से। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही। जब आदमी इस नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जब वो रहता है तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। जी 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 उसके पास जब आय का साधन ही नहीं है, उसके पास जब आय का व्यय का साधन जा रहा है, आय का साधन नहीं है, जो बीमारी है भुखमरी है वो ऑलरेडी उससे वो झेल रहा है, अब आगे वो पैसे खर्च करने लायक वो बचता ही नहीं है। सही बात है, तो आप मेन बात मुख्य बात पर आ जाइए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पैसे की जो तंगी होती है वो आदमी को दोनों तरफ से मारती है। जी सही है। तो वहां पर क्या है कि वहां का एक टैग लाइन है, कौड़ी लगे न दाम पूर्ण हो संपूर्ण काम, वही है मसाणिया भैरव धाम। और एक टैग लाइन और है वहां का, जो वहां पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करेगा बाबा उसी के 100% काम करेंगे, जो एक टका भी खर्च नहीं करेगा बाबा उसके 100% काम करेंगे। बहुत अच्छी लाइन है, आदर्श लाइन है। और हर आदमी चाहता है कि भैया हमारा 100% काम हो। जी तो वहां पर आप चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आप गुप्त दान भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात कही आपने। और हमारे जानकारी में धरती पर वो ऐसा पहला धाम है जहाँ पे आप इनडायरेक्टली 1 रुपया भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते बिल्कुल। वहां पर रात में रुकने की व्यवस्था निशुल्क, जी जो छत कंबल मिलता है वो निशुल्क, जो वहाँ पर शौचालय बना हुआ है वो निशुल्क, आप जो जूता दान जमा करते हैं वो निशुल्क, और जो भोजन कराते हैं भंडारा होता है वो भी निशुल्क। और आप चाहे तो आप 1 रुपया दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे लेने वाले चंपालाल गुरु जी बस सिंगल हैं, और वहां पे वो साफ साफ लिखा हुआ है, और ना वहां कोई दान पात्र है ना बिल्कुल। मैंने भी सुना है, मैंने भी अपने वीडियो में कहा है, मोहित जी आप सही कह रहे हैं कि स्वेच्छा से भी कोई दान नहीं दे सकता, किसी भी रूप में नहीं दे सकता। नहीं, बस उनका यही कहना है आओ जाओ पाओ, बस आओ पाओ जाओ, यही उनका है बस। जी अच्छा, इसमें थोड़ा इस बारे में ये बताइए, जैसे आपने ये बात बताई है वहां पर जो मेरी जानकारी में आया, वहां नशा छूटता है नंबर 1, और नकारात्मक शक्तियों का उपचार होता है। बिल्कुल, देखिए धरती पर अभी तक त्रिलोक भारती जी का डंका बज रहा है, उनके पूरे भारत में 15-16 मंदिर हैं। ठीक है, एक वो कहावत है ना कि आदमी को समय के साथ बदलना पड़ता है। एक समय था जब भगवान राम का डंका बजा, फिर भगवान कृष्ण का डंका बजा, फिर बाबा गुरु गोरखनाथ का डंका बजा। जी आपको संक्षेप में हम बताना चाहते हैं त्रिलोक भारती जी है कौन? नहीं, अभी आप इस धाम की बात कर रहे हैं, और अभी त्रिलोक भारती जी के रूप में आप सजाड़ा धाम में जा रहे हैं, तो पहले एक धाम के बारे में आप जो है पूरी डिटेल अच्छे से दीजिए, ऐसे भक्त है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी तो आप इस धाम के बारे में आपके पास जितनी भी जानकारी है,
अगर आपके पास फोन नंबर है, आपके पास कोई पिक है जो आप भेजना चाहें, तो हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, उसको भी हम स्क्रीन लगा लें। आप कोई भी वक्त अगर आना चाहता है तो जयपुर उतर सकता है, ठीक है, जयपुर रेलवे स्टेशन, और जयपुर से वो अजमेर आ सकता है, या तो डायरेक्ट भी अजमेर आ सकता है, ठीक है, या कोई हवाई मार्ग से आना चाहता है तो वो डायरेक्ट वो जयपुर आ सकता है। जयपुर से करीब 150 किलोमीटर के आसपास अजमेर है। अजमेर से आप इतना वो फेमस जगह है कि आप अजमेर स्टेशन के बाहर उतरते ही आप बोलेंगे कि हमको राजगढ़ भैरव धाम जाना है, तो आपको ऑटोमेटिक ऑटो मिल ही जाएगा। जी जी जी। अच्छा, टाइम खुला कब रहता है, ये थोड़ी जानकारी विस्तार से दीजिए। जी, वो संडे को, आप संडे को बाबा का दरबार लगता है। सिर्फ संडे को ही लोग आ सकते हैं? बस हर हफ्ते में संडे को। जी, और शनिवार से ही नंबर लगना शुरू हो जाता है। अब जो दूर से लोग आते हैं वो शनिवार शाम तक पहुंच लेते हैं। और वहाँ रहने की व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था है, सब निःशुल्क रहता है। यह बड़ी अच्छी बात है। बस शनिवार के लिए, ये नहीं कि आप शुक्रवार बृहस्पतिवार कभी भी आ जाए, बस शनिवार के लिए। जी समझ गया, शनिवार को आप आके रुक जाओ अपना नंबर लगा के, और रविवार को आप दर्शन करके आप चले जाओ। जी, जो बात है, आप वहाँ पे मनोकामना पूर्ति स्तंभ है, जो भी आपके मन में बात हो आप बस वही मन में सोच कर आप मन परिक्रमा लगा लीजिए, बस परिक्रमा लगा लीजिए और आपका काम समझिए हो गया, अगर मन में आपका समर्पण है तो। जी जी जी, मतलब इतना बड़ा चमत्कार बिना एक पैसे के खर्च के, पैसा आप चाह करके भी नहीं दे सकते, इच्छा करके भी आप नहीं दे सकते, किसी भी रूप में नहीं दे सकते। और न सिर्फ नशे से संबंधित बात है, आप टोटल कोई भी प्रॉब्लम हो। जी, दो बात हम ट्रैक से थोड़ा हटकर कहना चाहेंगे कि लोगों के काम क्यों नहीं होते। लोगों में देखिए समर्पण नहीं है। जब आदमी परेशान होता है ना, तो वो उसको चाहिए कि तत्काल आराम हो, और उसका दिमाग जगह जगह भटकता रहता है। वो चार जगह की वीडियो देखता है, एक जगह वो टिक पाता नहीं है, एक जगह गया उसको 5-10% आराम मिला, वो चाहता है कि बस पहली बार जाए हमारा 100 का 100 आराम मिल जाए। ऐसा कहीं होता नहीं है, आपको श्रद्धा और समर्पण दो चीज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कितनी बार आना पड़ता है? एक बार आके आप अर्जी लगा के जो परिक्रमा करके चले गए, उसके बाद आपको आने की दरकार पड़ती है या नहीं है? आप इच्छा से आओ अलग बात है। हाँ, इच्छा से आओ, कोई ये बाध्यता नहीं है कि 5 बार आओ 7 बार आओ, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपको आराम मिलेगा तो आप दोबारा भी आएंगे। इसका कोई ये नहीं कि आप हफ्ते पे आओ महीने पे आओ, जब आपकी इच्छा करे तब आओ। मतलब सीधी सी बात है कि बाध्यता बोल के नहीं है, आपकी सुविधा आपकी इच्छा के अनुरूप आप आ सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। और अच्छी बात है जहाँ पर एक पैसे का खर्च नहीं, इच्छा करके भी आपको देना नहीं, आप दे नहीं सकते, और आपके सभी मर्जों का इलाज है। नशे का जो छुटकारा है वो तो बड़ी नशा है। नशा तो लगभग एक बार में ही छूट जाता है, एक बार में संकल्प लेने पर ही छूट जाता है, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। बड़ी अद्भुत प्रक्रिया। अच्छा, प्रसाद भोग? प्रसाद कुछ नहीं, कुछ चढ़ता नहीं है। आपको ना वहाँ पे भिखारी मिलेगा, ना आपको फूलमाला वाला मिलेगा, ना कोई मिलेगा आपको। खाली हाथ आना है, झोली भर के जाना है, बस। बड़ी बहुत शानदार बात आपने कही। तो व्यूवर्स, राजगढ़ भैरव जी का जो मसानिया धाम है, और चंपालाल जी महाराज साहब जो है वो बाबा के भक्त हैं, और उनके माध्यम से बाबा कृपा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस मंदिर में एक पैसा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एक पैसा आप अपनी इच्छा से भी नहीं दे सकते। भोग प्रसाद किसी भी रूप में आपका एक टका नहीं लगता, जो कि वहाँ की टैग लाइन मोहित बता रहे हैं, एक पैसा आपका लगता नहीं है, और कृपा समर्पण के आधार पर आपको कृपा मिलती है। किसी के भी मन में ख्याल आ सकता है कि भाई तब मंदिर की व्यवस्था ये सब कुछ चलता कैसे है, ये सब तो कुछ चलता है बाबा की पूरी जो कृपा है वो चंपालाल जी पर है, और चंपालाल जी जो अपना व्यवसाय करते हैं उस आधार पर वो इतनी समृद्धि आ जाती है कि व्यवसाय से ही, जहां तक मैंने सुना है, वो चंपालाल जी ही चलाते हैं उसको। चंपालाल गुरुदेव जी का कहना ये है कि देवता देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत ही आदर्श वाली बात है जी। वो है, और तभी आप कहीं खर्च कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो एक विशिष्ट धाम के बारे में बात हुई है। हमसे कई बार लोग सवाल करते हैं कहाँ कितना लगता है, वहाँ इतना लगता है, ये ऐसा धाम है पर कुछ भी नहीं लगता,
सिर्फ मन की श्रद्धा, मन की आस्था, मन का समर्पण। और रविवार के दिन ये दरबार खुलता है, भैरव जी का धाम है, मसानिया भैरव जी का धाम। शनिवार के दिन से लोग आना शुरू हो जाते हैं, नंबर लगते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और आप घर चले जाते हैं फ्री होकर, कोई बाध्यता नहीं। तो मोहित जी ने ये जानकारी हमें और विस्तार से दी, इसके लिए उनका आभार ज्ञापित करते हैं। मोहित जी के साथ आने वाले दिनों में सजाड़ा धाम के साथ साथ और अन्य धामों के बारे में भी आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचाएंगे। तो मोहित जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।